न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी सेल अगर हम लिए, एनिमल सेल या प्लांट सेल की, अगर हमारे प्लांट सेल में थोड़ा सेंटर पार्ट में नहीं होता, तो जो सेंटर पार्ट में एनिमल सेल के जो सेंटर पार्ट में जो सेल ऑर्गेनली होती है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, ठीक है, लार्ज होक्यूल की वजह से प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, तो वो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इसको ब्रेन बोला जाता है, वो सारी सेल की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है, मेन जो फंक्शनिंग है वो वही कंट्रोल करता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। सिंपल समझ में आएगा, न्यूक्लियस यानी सेंटर ऑर्गेनली है सेल की, और न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस।